3. Hello everyone, I am Abhish, along with my friend Tofan and Sanjay from Polymechanical 5th semester SCIT. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 3D प्रिंटर मशीन के बारे में. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 3D प्रिंटिंग मशीन. 3D प्रिंटिंग मशीन इज ए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच अप्लाई लेयर बाय लेयर टू 3D ऑब्जेक्ट. चलिए अब देखते हैं हम 3D प्रिंटिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में. 3D प्रिंटिंग के पार्ट्स के में ये टेबल, ये उसके ऊपर एक्सट्रूड टेबल जहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये एक्सट्रूड उसके बगल में लगा है नोजल, और उसके साइड में है कूलिंग फैन. ये 3 एक्सिस में रिमूव करता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इसके बगल में लगा है वायर फिलामेंट जिसके जरिए हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 3D प्रिंटिंग मशीन का, ये है उसकी फ्रेम जिसमें हम अपना जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको सेट करते हैं और टेम्परेचर सेट करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले अपन को 3D फाइल बनाना पड़ता है, और 3D फाइल हम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए बनाते हैं. जैसे आप देख सकते हैं ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिड वर्क. आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में क्यूरा सॉफ्टवेयर खुला है, ओपन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बना है. इस ऑब्जेक्ट को हम 3D प्रिंटिंग मशीन में सेंड करेंगे, और वो 3D प्रिंटिंग मशीन उस ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर डिवाइड कर. अब हम जो ऑब्जेक्ट हमको बनाना है उसकी फाइल हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और 3D प्रिंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर 3D प्रिंटर लेयर बाय लेयर जो मेटल है उसका डिपोजिशन करते जा रहा है एज पर दी डिज़ाइन. और जो हमने डिज़ाइन देकर रखी है उसके अकॉर्डिंग ये मेटल की लेयर मल्टीपल लेयर्स बनाते जाएगा जब तक हमारा पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता. फ्रेंड्स, अभी हमने 3D प्रिंटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और इसके पार्ट्स के बारे में जाने हैं कि यह कैसा काम करता है, और आने वाले समय में इसका कैसा उपयोग होगा और कैसा काम करेगा. और अभी हमने 3D प्रिंटिंग के द्वारा 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और देखा कि यह कैसा काम करता है. और आशा करता हूँ कि आगे भी इसका बहुत उपयोग होगा, और आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा.